क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। काफी सारे बच्चे मुझसे यूट्यूब में जुड़े हुए हैं और हर किसी का यही सवाल है, एक ही सवाल है, क्या कि पटवारी और हॉस्टल वार्डन का पोस्ट कब आया। तो मैंने सोचा हर किसी को पर्सनल रिप्लाई करने से अच्छा एक कॉमन वीडियो बना दूं और वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूं कि ये पोस्ट जो है, ये वैकेंसी जो है कब आने वाला है। लेकिन ये बताने से पहले कि ये वैकेंसी कब आ रही है, मेरा आपसे एक सवाल है जो आप खुद से जवाब दीजिएगा, मन में जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन है और वो ये, आर यू प्रिपेयर्ड? मैं बोल रहा हूँ चलिए ठीक है, आप बार बार पूछते हो मुझसे कि पटवारी कब आएगा, पटवारी कब आएगा, हॉस्टल वार्डन कब आएगा। मैं बोल रहा हूँ चलिए एक महीने बाद एग्जाम है, तो क्या आप तैयार हैं? खुद से सवाल करिए। हाँ, 100,000 लोग फॉर्म भरते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, 100,000 लोग फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। तो 100,000 में अगर 700 पोस्ट आ रहा है पटवारी का या हॉस्टल वार्डन का, 360 पोस्ट आ रहा है, तो क्या वो 100,000 को बीट करके 360 में पहुंच सकते हैं? क्या आप इतने तैयार हैं? ठीक, तो आपका जवाब हो सकता है नहीं है। ठीक, एक महीने बाद एग्जाम हो जाए और आप तैयार है पूछने से आपका जवाब क्या आएगा? नहीं। तो सबसे पहला बात, इस बात की चिंता मत कीजिए कि वैकेंसी नहीं आ रहा है, ठीक है। आप इस बात की चिंता कीजिए कि वैकेंसी कल को डेट में नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपका तैयारी होना चाहिए, ठीक है। वैसे फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, जो हॉस्टल वार्डन विभागीय जानकारी के लिए है, हॉस्टल वार्डन का जो पोस्ट है वो संभवतः अप्रैल में, और पटवारी का भी 17 अप्रैल को एग्जाम हो सकता है, ठीक है। 17 अप्रैल, ये अप्रैल में संभावित है दोनों पोस्ट, ठीक है। काफी दिनों से पेंडिंग है, पटवारी भी 2019 लास्ट हुआ, उसके बाद 3 साल होने को हो गया, अभी तक उसकी वैकेंसी आई नहीं है। हॉस्टल वार्डन भी लास्ट 2016 में हुआ, उसके बाद से हुआ ही नहीं है। ये दोनों पोस्ट खाली है, ठीक है। ये पटवारी में लगभग 750 प्लस पोस्ट आएंगे, हॉस्टल वार्डन में 360। अब पूछोगे किस आधार पे बता रहा हूँ, तो विभागी, जैसे अगर मैं नगरीय प्रशासन विभाग में हूँ, ठीक, तो जो जानकारी जाती है खाली पदों की, वो कहीं ना कहीं हमारे विभाग से जा रही है, हमारे निकाय से जा रही है, तो निकाय से जाती है जानकारी तो वो हमारे पास रहती है, ठीक है। तो ये हॉस्टल वार्डन का, किसी हॉस्टल वार्डन से पूछा मैंने, उन्होंने बताया कि ये जानकारी जो है, इतने पद में भर्ती लेना 360 पदों में, ये व्यापम को जा चुकी है। अब व्यापम अपना शेड्यूल तैयार कर रहा है और कभी भी इसका एग्जाम निकाल सकता है, ठीक है। अब ये मान के चलिए कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक आपके पास 40 दिन है, क्योंकि व्यापम की आदत है कि वो नोटिफिकेशन निकालता है और सिर्फ 40 दिन देता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, मैक्सिमम 45 डेज, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, तो एवरेज 40 दिन देता है। और इस 40 दिनों में आपको तैयारी करनी है, हर दिन आप सोचिए कि हर दिन आपको एक्स्ट्रा 40 दिन मिल गए, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो अच्छी बात है, ठीक। तो अब सवाल यह था कि तैयारी कैसे की जाए, तो मैं ये कहूंगा आपसे कि आप वैकेंसी की चिंता मत करिए, तैयारी अभी से स्टार्ट करिए, ठीक है। जवान हमारे तैनात रहते हैं बॉर्डर पे, अगर उनको कहा जाए कि जिस दिन युद्ध होगा उसी दिन आप तैयारी कीजिए, उसी दिन प्रैक्टिस कीजिए, तो जिस दिन युद्ध होगा उस दिन वो हार जाएंगे, ठीक है। क्यों? उससे पहले वो प्रैक्टिस किए नहीं, और कहीं और दूसरी सेना, दूसरी देश की सेना कहीं ना कहीं बहुत सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप भी आज ही से स्टार्ट कीजिए अपनी तैयारी, ठीक, ताकि जो 100,000 फॉर्म भरेंगे, ठीक, उन 100,000 लोगों से आप कहां आ पाओ, 750 लोगों में आ पाओ, जहां 750 अगर वैकेंसी है, ठीक है। इसके लिए क्या जरूरी, क्या है कि आप ये तैयारी पहले से स्टार्ट करें, ठीक। तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक, किसी कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाह रहे हैं, आपके नजदीकी क्षेत्र में कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको, गूगल प्ले स्टोर पर, जैसा कि शुरुआत में बता दिया गया था, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर योगेंद्र साहू क्लासेस से सर्च करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। दो माध्यम है पेमेंट करने का, यहाँ एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको नाम एंटर करना होगा, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, फिर आपका वहाँ आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगा। रजिस्टर्ड करने के बाद नीचे
एक होम टैब दिखेगा आपको, दूसरा टैब दिखता है बैच का, तीसरा टैब रहता है स्टोर का, फिर चैट का, ऐसे आपको टैब दिखेगा। स्टोर में डाके आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, ठीक है। एक और तरीका है, बैच में भी आप जुड़ सकते हो, मुझे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको बैच में एंटर दूंगा, दोनों में एक ही पढ़ाई होती है। अगर आप मुझे, कई लोग क्या है बिना मुझसे कॉन्टैक्ट किए डायरेक्ट जाते हैं तो स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके बैच में भी ऐड हो सकते हो, बैच में भी ऐड हो, दोनों आपका, दोनों आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कहीं भी तय कर सकते हो। अभी फीस है इसकी, ऑनलाइन फीस 2999। 2999 में आपकी वैलिडिटी 8 मंथ की रहेगी, ठीक है, 8 महीने की आपकी वैलिडिटी रहेगी। आप पूछोगे कि तैयारी पूरे 8 महीने तक होगी क्या? नहीं, पहले से मैंने वीडियोस इसमें रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं, ठीक है, और 80% लगभग सिलेबस कवर हो चुका है। 20% जो इंडियन सेक्शन के बचे हुए हैं, वो इंडियन जीएस के सेक्शन बचे हुए हैं, मैं अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द, 1 हफ्ते के अंदर वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको वीडियो शुरू से मिलेंगे, 9 से मिलेंगे, अलग अलग फोल्डर बने होते हैं, आप जाके देखिएगा, छत्तीसगढ़ का फोल्डर अलग, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग फोल्डर बने होते हैं, यहाँ से आप फोल्डर में जाके वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये पेमेंट फीस होने के बाद आपको बैच में ऐड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8770123687, ठीक है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। फीस है 3000 रुपए, ठीक है। इसके अलावा 50 डेज की वैलिडिटी वाली क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, 50 डेज की वैलिडिटी रहेगी इसमें, इसमें आपको 8 मंथ की वैलिडिटी रहेगी, इसमें 50 डेज की, ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा 1499 रुपए में, तो इसमें सिर्फ वैलिडिटी 50 डेज की रहेगी। इसके अलावा योगा एंड सब क्लासेस ही क्यों, ठीक है, आप बोलोगे बहुत सारे और एप्लीकेशन भी है, मैं वहां से भी कोर्स खरीद कर सकता हूँ, ऑफलाइन जा सकता हूँ, ऑनलाइन ही क्यों करूँ, और ऑनलाइन में योगा एंड सब क्लासेस ही क्यों करूँ, तो उसका जवाब मैं देता हूँ आपको। पहला बात, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के फायदे बताता हूँ, ठीक, ऑनलाइन के फायदे पहले चर्चा करता हूँ, ठीक है। अगर आप लग रहा होगा बहुत दूर दराज में रहता हूँ और ऑनलाइन कोचिंग करता हूँ, कहीं ना कहीं ऑफलाइन वाले से पिछड़ जाऊंगा क्या, तो उसका जवाब है नहीं। ऑनलाइन कोचिंग करने के 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा, मैं डालता हूँ रिकॉर्डेड वीडियोस। रिकॉर्डेड वीडियोस में क्या है, आप अगर आज ज्वाइन किए तो 8 महीने तक वो वीडियोस वहां पे रहेंगे। इसका मतलब अगर जो बच्चा ऑफलाइन आते हैं, अगर मैं सुबह बैच रखता हूँ 7 से 10, तो उस बच्चे को 7 से 10 आना पड़ेगा तभी वो वीडियोज अटेंड कर पाएगा या क्लास अटेंड कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो आपके पास ये वीडियोज हमेशा रहेंगे, तो आप इसमें 24 घंटे में कभी भी, 24 घंटे में कभी भी अपने सुविधा अनुसार इस वीडियो को देख सकते हो। आप वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग मैन हो, जॉब में हो, ठीक है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, उससे कोई लेना नहीं, आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, जो भी आपका सिचुएशन है, आप 24 घंटे में कभी भी देख सकते हो। फिर कई लोग ये, कई लोग सवाल करते हैं कि ये 24 घंटे तक ही वैलिड रहेगा कि नहीं, वीडियो पूरे 8 मंथ तक वैलिड रहते हैं। कहने का मतलब है दिन में आप किसी भी टाइम देख सकते हो, 12 बजे रात को पढ़ने का मन किया, ठीक है, तो 12 रात के 12 बजे भी आप वीडियो चालू कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है आपको, अगर आपने सपोज 7 से 10 क्लास ऑफलाइन आते हैं, किसी दिन मिस कर दिया, 1 हफ्ते कभी शादी में चले गए, ठीक है, कुछ और प्रोग्राम आ गया, और बोलोगे कि मुझे ये पूरे 8-8, 10-10 घंटे के जो वीडियो लेक्चर छूटे हुए, ये क्लास छूटे हुए, उसको मुझे रिपीट कराइए, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑफलाइन ऑनलाइन अगर आप कोर्स अटेंड करते हो तो ये वीडियोस तो हमेशा अवेलेबल है 24 घंटे, ठीक, तो किसी भी दिन देख सकते हो, कितने बार भी देख सकते हो, तो नंबर ऑफ टाइम्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हो, ठीक है, आपको कुछ चीज समझ नहीं है, 2 महीने बाद रिवाइज करना है, तो वीडियो को भी आप रिपीट करके देख सकते हो। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो क्या, और वो ये कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन आता है और उसको 3 घंटे की पढ़ाई करना है, तो उसको 3 घंटे देने पड़ेंगे, 3 घंटे की पढ़ाई के लिए 3 घंटे उसको देने पड़ेंगे, तब जाके वो 3 घंटे का कंटेंट ले पाएगा। लेकिन ऑनलाइन में फायदा होता है, यहाँ पे प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन मिलता है, आप मेरे एप्लीकेशन में जाओगे, जैसे यूट्यूब में प्लेबैक स्पीड रहता है, वैसे इसमें भी 0.25 से लेकर 2x तक स्पीड रहता है। इसका क्या यूज, तो धीरे धीरे आप जैसे आदत बढ़ाए, मेरे वीडियोस को 1.25x में देखना चालू किए, फिर धीरे धीरे ऐसे स्पीड बढ़ाते बढ़ाते 2x तक मैक्सिमम आपको स्पीड मिलेंगे। इसका मतलब ये जो 3 घंटे का लेक्चर है जो मैंने ऑफलाइन लिए हैं, अगर उसको 2x स्पीड में देखोगे तो 3 घंटे का लेक्चर कितने घंटे में खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटे में। मतलब जो यहाँ 3 घंटे बच्चा देगा वो 3 घंटे की पढ़ाई कर पाएगा, लेकिन आप 3 घंटे दोगे ऑनलाइन तो कितने घंटे की पढ़ाई कर पाओगे, 6 घंटे, तो कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों से आगे बढ़ने में ये आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये तो ऑनलाइन के फायदे हो गए, ऑनलाइन क्यों और योगेंद्र साहू क्लासेस से क्यों, तो कोई बाध्यता नहीं है, आप किसी भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ या कोई दूसरा टीचर, हर टीचर अपने आप में सक्षम है तभी आपको पढ़ा रहा है, तो हर टीचर की रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपको बेनिफिट ये मिलेगा, मैंने खुद व्यापम के एग्जाम्स निकाले और 5 एग्जाम्स निकाले हैं, ठीक है, जिसमें एक एग्जाम में मेरा सेकंड रैंक है छत्तीसगढ़ में, ठीक, तो मुझे आइडिया है कि एग्जाम कैसे निकाला जाता है, ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर डायरेक्शन दूंगा, जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा मेरे तरफ से, ठीक, आपको बताया जाएगा आपका शेड्यूल क्या रहेगा, ठीक है, पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सारे गाइडलाइंस कौन देखा मैं दूंगा आपको, तो वो आपके लिए पर्सनल बेनिफिट रहेगा, ठीक, तो मैं पर्सनली आपके टच में रहूंगा, ठीक है। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेमोरी टेक्निक्स, ठीक है, मैंने पुणे से ये मेमोरी टेक्निक का मेमोरी पावर का कोर्स किया हुआ है, ठीक, तो ये मेमोरी पावर का आपको अलग से क्लास नहीं, सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते ये मेमोरी टेक्निक्स हम यूज करके सारे सिलेबस को बहुत ही कम समय में समाप्त कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके चले जाएगा, ठीक है, तो ये मेमोरी टेक्निक्स क्या है ये आपको कोर्स जानने के बाद ही मालूम चलेगा, ठीक है, ये मेमोरी टेक्निक्स मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ अपने सिलेबस में, ठीक है, तो ये आप बेनिफिट उठा सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके सेव रहेगा बहुत लंबे समय तक और बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है, तो ये सारे डिस्कशन थे, ये बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल किया कि पटवारी हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी कब आ रहा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ और वीडियो बन के रेडी है, ठीक है, और बिल्कुल कॉल करने में कभी भी मत झिझकिए, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर डिस्प्ले में आ रहा होगा नंबर, ठीक, मैं स्टूडेंट का कॉल हमेशा अटेंड करता हूँ, अगर कॉल रिसीव नहीं कर पाता तो कॉल बैक जरूर करता हूँ, ठीक है, मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्टूडेंट जरूर इंपॉर्टेंट है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।